दोस्तों नमस्कार, मैं विवेकानंद यादव, आप मेरा मोटिवेशनल चैनल बाय BNY देख रहे हैं। मैं कुछ दिनों से आपको वीडियो देने का काम करता हूं, आप देख भी रहे हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, लेकिन आपने हमें अब तक नहीं जाना कि मैं आपके सामने जो बात रखता हूं वो मैं दिल से कहता हूं, मेरी दिल की आवाज है। मैं आंदोलनकारी व्यक्ति हूं, मैं कभी अपने जीवन में किसी के सामने हार मान के घुटना टेकने वाले व्यक्ति नहीं हूं। मैं ईमानदारी, कर्मठता, कर्तव्य के साथ काम करके जीने वाला व्यक्ति हूं। हमने हमेशा सच्ची बात आपसे कहा, आपने अपने नजरिए से अगर नहीं समझा तो ये आपकी भूल है। हमने अपनी बात कही, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो भावना है, जो देश के अंदर चल रहा है, जो लोगों की वस्तु स्थिति है, हमने वो बात आपको बताई। मेरे जीवन में मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से जीने वाला रहने वाला व्यक्ति हूँ जिस समाज में कोई पढ़ते लिखते नहीं है, चार लाइन किसी को बोलने नहीं आता है, किसी के यहाँ पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, किसी का कोई सम्मान नहीं करता। मैं वैसे जगह पर रह के हमने MBBL किया, हमने अपने मेहनत और कर्तव्य के बल पर, हमने हर काम को अपने जुनून के आधार पर करने का काम किया। मैं जो कहता हूं, मेरे से कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग मेरे को अपमान भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे ईमानदारी या मेरे सच्चाई, मेरे जुनून के सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं टिकते। आलोचना करनी है तो करो, करने वाले करते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। मैं आप दोस्तों से जानना चाहता हूं, क्या हमें सच बोलने का अधिकार नहीं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? क्या हमें अपने तरीके से रहने का अधिकार नहीं? मैं अगर आपको कुछ कहता हूं तो आपको बनावटी लगता है, लेकिन हमने रिसर्च किया है, हमने जांच किया, हमने लोगों की भावनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास किया। हमने जमीन से उठकर ऊपर तक की बात की, हमने कोई बनावटी बात नहीं किया। मैं दोस्तों आपसे जो कहता हूं, आप मेरे बात को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं घटता। हमने जो बात कही दिल से कही, दिमाग से हमने नहीं कही, कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं कही। हमने जितना कष्ट सहा, हमने जितना जिल्लत सहा, हमने जितना परेशानी सहा, हमने जितना कठिनाई का सामना किया, आपने नहीं किया। अगर किए हो तो सोचना एक बार कि हर अस्त के बाद उदय होता है, हर उदय के बाद अस्त होता है। जीवन के अंदर की सच्चाई है ये कि दुख और सुख दोनों है हमारे जीवन में। बैलगाड़ी के दो पहिया के समान एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है। बैलगाड़ी की पहिया अगर दोनों समान चलती है, धूरी सही रहती है तो गाड़ी ठीक चलती है, अगर धूरी में गड़बड़ी होती है तो गाड़ी उलट जाती है। दोस्तों मेरे जीवन के अंदर में यही सत्य है, हमने जिसको चाहा वो हमारा साथ नहीं दिया, हमने जिसको प्रेम किया वो हमारे साथ नहीं रहा। यही सच है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर ने अजीब अजीब किस्म का नाटक तय किया लोगों के जीवन में। लोगों का जीवन एक प्लेटफॉर्म है,
लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमने अपनी बात कहने के लिए मोटिवेशनल चैनल बाय BNY तैयार किया और मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे संतुष्टि होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये भी महसूस होता है कि आपको अच्छा लगता है तो आपने मेरे साथ कंजूसी किया, आपने मेरे साथ जाती किया। क्यों किया? हमने क्या बुरा किया? क्या मैं अच्छा नहीं बोलता? क्या मैं सच नहीं बोलता? अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमने कई वीडियो में कहा कि आप कमेंट करो, आपको अच्छा नहीं लगे आप मेरे को बोलो कि मैंने अच्छा नहीं बोला, आप बोलो कि मैं दुर्भावना से पीड़ित होकर बोलता। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी भी लोगों का पक्षधर नहीं हूं, मैं आम जनता की पक्षधर हूं, मैं आम जनता की बात करता हूं, मैं आपके तकलीफ की बात करता हूं, मैं अपनी तकलीफ की बात करता हूं, मैं सच का पुजारी हूं। हमने कभी कोई दुर्भावना से कोई बात नहीं रखने की बात की। आपने समझना है, आपने सोचना है, आपने ये तय करना है कि मेरे चैनल के मुताबिक जो बोली हुई बात है वो सही है या नहीं है। मंदिर मस्जिद धर्म कर्म जात पात छोटा बड़ा घर परिवार सारे के सारे यहीं रह जाएंगे मेरे दोस्तों, कोई साथ नहीं जाता। कितना भी कुछ कर लो कोई साथ नहीं जाता। साथ जाता है अच्छा कर्म, साथ जाता है अच्छा विचार, साथ जाता है अच्छा कार्य, साथ जाता है परोपकार। अगर आप अच्छा करते हो तो आपका अच्छा होता है, आप भला करते हो आपका भला होता है। कहा जाता है कि कलयुग में पापी पनपते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। भले लोग आज भी हैं इस धरती के ऊपर, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, तो ये धरती बची हुई है, अन्यथा ये धरती नहीं बचती। कलयुग हो रहे, कलयुग में भी अच्छे लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, तो ये कलयुग बचा हुआ। दोस्तों, हमने जीवन में बहुत कष्ट किया, हमने जीवन में बहुत प्रयास किया, हमने जीवन में अथक परिश्रम किया, हमने हर वो काम किया। मेरे को कोई भी काम करने में लाज नहीं लगता, मैं लज्जा नहीं करता, मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता। मैं रहूं ना रहूं मेरी बात आप तक रहेगी, इस बात को मैं मानता हूं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगता हो और मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो गर्दा करके आप सब्सक्राइब करें और खूब लाइक करें, खूब कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।